बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूँगी बिल्कुल ठीक होंगे। टुडे आई एम शेयरिंग विद यू अ रेसिपी ऑफ फ्राइज़। कैसे आप घर में बैठे फ्रेंच फ्राइज़ मैकडोनल्ड स्टाइल के बना सकते हैं? स्पेशली लॉकडाउन में हम ना किसी रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, ना बाहर खाने जा सकते हैं, तो आप घर में कैसे बना सकते हैं? ये रेसिपी आप लोगों के लिए उम्मीद करूँगी हेल्पफुल होगी, और अगर हेल्पफुल हो तो इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे एक अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा, एंड साथ में मेरी वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आइए आज हम बना लेते हैं फ्रेंच फ्राइज मैकडोनल्ड स्टाइल से। तो आइए देख लेते हैं उसको बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो क्या हैं। सबसे पहले आपको चाहिए आलू। आलू आप मीडियम साइज़ के लिए, क्योंकि जो फ्राइज़ होती हैं वो ज़्यादा बहुत ही लंबी लंबी अच्छी नहीं लगती। नमक, मैदा, बेसन और जड़ा मिर्च। सबसे पहले हम आलूओं को छील लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, मैंने सारे पोटैटोस पील कर लिए हैं। अब हम करते हैं इन्हें कट, लेकिन उससे पहले हम एक और काम करना है। ये देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले हम चूल्हे पर रखेंगे एक पतीला। और इसमें हमें डालना है पानी। इसके अंदर हमें डालना है सॉल्ट और इसको उबलने के लिए रख दें। मैं इन्हें कट करूँगी नाइफ से। डाइस में आप इन्हें नाइफ से कट करना चाहते हैं या किसी और कटर से कट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नाइफ से डाइसर में कट करने की एक वजह यह है कि इसमें जो हमारी क्यूब होगी, जो हमारी शेप होगी वो सेम होगी। सो इसे हम कट कर लेंगे। ये देखें व्यूवर्स, हमारे सारे पोटैटोस कट चुके हैं और ये देखें इनका क्यूब बिल्कुल सेम है। सबसे पहले हम इन्हें करेंगे वॉश, ताकि जो भी इनका स्टार्च है, जो भी इनके ऊपर स्टार्च लगा हुआ है वो साफ़ हो जाए। ये देखें मैंने इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया है। ये देखें व्यूअर्स, जो मैंने पानी रखा था बॉयलर में उनके अंदर बबल्स बन रहे हैं, तो जब बस पानी ये स्टेज पे आ जाए तो बस हमें इसके नीचे जो फ्लेम होगा वो ऑफ कर देना है। अब क्या करेंगे, इसकी जब फ्लेम ऑफ कर दें तो हमने जो अपनी फ्राइज़ कट की हैं और वॉश करनी है, आफ्टर वॉश इसके बीच में डाल देंगे अपनी फ्राइज़ को, और तकरीबन 2 या 3 मिनट के लिए हमें इसे ऐसे ही छोड़ देना है और रखें आप इसे ढककर। बीच बीच में आपको इसको थोड़ा सा चला लेना है। इससे क्या होगा व्यूअर्स, जो हमारा एक्स्ट्रा मोर स्टार्च होगा ना इसके अंदर, वो भी निकल आएगा और ये वाटर के ऊपर वाली सरफेस पे आ जाएगा। व्यूअर्स, मुझे इसको डाले हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं और 5 मिनट के बाद मैं इसे बाहर निकाल लूँगी। मैंने एक ट्रे लिया जिसके अंदर मैंने किचन टावल यूज़ किया है, और साफ होना चाहिए आपका टावल। इसकी जगह पे किचन टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हैं और उसको भी इसके ऊपर रख कर फिर अपनी फ्राइज़ निकाल सकते हैं। ये देखें मैंने ये सारी फ्राइज़ बाहर निकाल ली हैं, और उसके बाद मैं ये पेपर टॉवल की हेल्प से इसको ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा इसका मॉइस्ट निकाल दूँगी इस तरीके से। ज़्यादा प्रेस मार करके या ज़्यादा मॉइस्ट नहीं निकालना, बस हमें हल्का हल्का इसको ना सूखाना है, इसको वॉर्म कर देना हल्का सा, का मॉइस्ट ले लेना है। तो व्यूवर्स ये देखें मैंने इसको बिल्कुल कर लिया है, इसका मॉइस्ट निकाल दिया है। अब इसके अंदर हम सारे मसाले डाल के निकाल कर लेंगे। तो मैं डालूंगी इसके अंदर जड़ा मिर्च, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें डालेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल बेसन, बिल्कुल थोड़ा सा यूज़ करेंगे, वरना नहीं तो आपके जो पोटैटोज हैं वो चिपकने लगेंगे। और हमने सुखाया भी इसलिए था ताकि जो भी हमने मसाले डाले उनसे वो आपके जो पोटैटोज हैं वो चिपके मत। सॉल्ट हसबे ज़रूरत, जितनी आपको ज़रूरत है। एंड मैदा, मैदा आपकी चिप्स को क्रिस्पी करने में बहुत हेल्प देगा।
अब आप इन्हें मिक्स कर लें। अगर आप इनमें ये सब चीज़ें नहीं भी डालेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी फ्राइज़ को, तो ये आप पे डिपेंड करता है आप ये चीज़ें मिक्स करना चाहेंगे कि नहीं। मैं थोड़ा कर लेती हूँ ताकि फ्लेवर अच्छा आ जाए। तो ये देखें, मैंने पैन में ऑयल डाल लिया और जब तक ऑयल गर्म होगा, ये देखें थोड़ा सा इनके ऊपर ना एक सरफेस आ जाती है जिससे ये थोड़ी करारी करारी सी और क्रिस्पी बन जाती है। ये देखें व्यूअर्स, ये बिल्कुल ब्राउन हो चुकी हैं और बस अब ये हो चुकी। तो ये देखें फ्रेंड्स, हमारी फ्राइज बिल्कुल रेडी हैं। मैंने सिर्फ गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई किया था एंड अब ये देखें बहुत ही मज़े से आप इन्हें खाएं। स्पेशली लॉकडाउन में ये मैकडोनल्ड साइड की फ्राइज़ आप अपने बच्चों को खिलाएं, अपनी फैमिली में खिलाएं, सब बहुत शौक से खाएंगे, चाहे छोटे हों या बड़े हों। तो अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा मेरी इस रेसिपी को। जब आप ट्राई करेंगे तो प्लीज़ मुझे एक अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।